कोरोना तो कुछ खत्म सा हो रहा है, नंबर्स बहुत कम है, लोगों को डर खत्म होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ में सडनली जुखाम, खांसी, छींके, बदन दर्द, जो नॉर्मल फ्लू हुआ करता था उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना नहीं है लेकिन वायरल फ्लू के सिम्टम्स और उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको फ्लू मान के ट्रीट करें, अपने डॉक्टर्स की सलाह से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, केमिस्ट की दुकान पे जाके दवाइयां गोलियां मत लीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह के हिसाब से आपको करना। और तीन चीजें मैं आपको बता दूं, नंबर वन, रेस्ट करिए, भागिए दौड़िए नहीं, जस्ट बिकॉज सिंपल फ्लू है इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमना फिरना शुरू कर दें, रेस्ट करिए, क्योंकि वायरल फीवर जो है वो रेस्ट मांगता है, बॉडी को आपको रेस्ट देना चाहिए। हाइड्रेशन, पानी वगैरह पीना, लिक्विड्स पीना बहुत जरूरी है, सिंपल पानी नहीं, आप ORS लिक्विड पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप अपना जो भी नींबू पानी घर में शिकंजी बना के आप पी सकते हैं, यानी बेसिकली अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है, और आपको जहां तक हो सकता है गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, नमक के गरारे कर सकते हैं, और जो होम रेमेडीज जो भी आप लेना चाहें जुकाम खांसी के लिए वो आप करिए, लेकिन अपनी डॉक्टरी सलाह के साथ में करिए, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत करिए, रेस्ट जरूर करिए, और अपनी मास्क पहन के ही घर के बाहर निकले, क्योंकि भूलिए नहीं कोरोना खत्म नहीं हुआ है, छुपा बैठा है, हो सकता है ये फिर अपना पंजा दिखाए, इसलिए हमें सतर्क रहना है। इस फ्लू से हमें नॉर्मल मेडिसिन के साथ में रेस्ट करके हाइड्रेशन के साथ निकलना है। थैंक यू।